चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो देखने में उनसे अलग हो, चाहे उनके कपड़े उनसे अलग हो, किसी भी वे में कोई भी हो इस पूरी दुनिया में, वो सब कौन है? वो सब हमारे भाई बहन है। ये पूरा का पूरा एसेंस है सारे वेदों का। वहां पर सिर्फ एक बात कही जा रही है कि हम सब एक हैं, कि आप में और मुझ में कोई फर्क है ही नहीं, हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि अलग हो ही नहीं सकते। मतलब क्या है कि सब हमारे अपने हैं और हम सबके हैं। जैसे आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, जो अपने आप को रिलीजियस बोलते हैं, स्पिरिचुअल बोलते हैं, फिर धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते हैं, तो इसका मतलब उनको समझ ही नहीं आया है कि धर्म का असली मतलब क्या है। इनफैक्ट कोई भी ऐसा इंसान जो कि सेल्फ रियलाइज होगा या जो खुद को जानता होगा, वो कभी भी भेदभाव कर ही नहीं सकता। वो फर्क कर ही नहीं सकता कि आप किस कंट्री के हो, किस रिलीजन के हो, आपका रंग रूप क्या है, आपके कपड़े कैसे हैं। और अगर वो फर्क कर रहा है तो इसका मतलब एक बात पक्की है कि वो खुद को नहीं जानता है। इनफैक्ट उनकी लाइफ की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिससे हमको उनकी सोच के बारे में और डीपली समझ में आता है। जब उनका प्लान बना था अमेरिका जाने का, तो वो माँ शारदा के पास में गए आशीर्वाद लेने के लिए। माँ शारदा से उन्होंने बोला कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ धर्म का प्रचार करने के लिए, या जो भी कुछ मैंने सीखा है उस सबको शेयर करने के लिए, तो अगर आपकी अनुमति है तो मैं जाऊँ। तो माँ शारदा ने उनसे कहा कि वो जो चाकू पड़ा है वो देना जरा मुझे। तो उन्होंने चाकू उठाया, उठा करके दे दिया माँ शारदा को। तो उसके बाद में माँ शारदा ने कहा कि अब तुम जा सकते हो। वो चौंक गए। उन्होंने पूछा माँ शारदा से कि आपने मेरी कोई परीक्षा तो ली नहीं, ऐसे ही मुझे अनुमति दे दी बिना किसी परीक्षा के, ना मेरे से कोई सवाल करे। तो फिर माँ शारदा ने जवाब दिया कि ये जो तुमने चाकू उठा करके दिया, यही तुम्हारी परीक्षा थी। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता और ये चाकू मुझे देता, तो वो जो चाकू का लकड़ी वाला हिस्सा था उसको खुद पकड़ता, और जो धार वाला हिस्सा था वो मुझे पकड़ाता। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने धार वाले हिस्से को खुद पकड़ा और लकड़ी वाले हिस्से को मुझे पकड़ाया, जिससे कि अगर चोट लगनी भी है तो तुम्हें लग जाए लेकिन मुझे ना लगे। तो तुम खुद का बुरा करने के लिए भी तैयार हो सामने वाले के भले के लिए। इससे मुझे ये समझ में आता है, माँ शारदा बोली, कि इससे मुझे ये समझ में आता है कि अब तुम पूरी तरह से तैयार हो, तो अब तुम जा सकते हो। फिर वो गए। तो इससे भी क्या पता लगता है उनकी सोच। तो उनका जो पहला और सबसे फेमस कोट है वो है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। मतलब कि उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये क्या कहा जा रहा है और किससे कहा जा रहा है? वो लोग जो अपने कंफर्ट जोन में हैं, या तो जो चाहिए था वो नहीं मिला है तो बैठ गए हैं थक करके, या फिर जो चाहिए था वो मिल गया है और बस बैठ गए यहां करके, अपने कंफर्ट जोन में चले गए, आलसी हो गए, आगे नहीं बढ़ रहे, आगे ग्रो नहीं कर रहे, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहे। ये उनके बारे में कहा जा रहा है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हो और थक करके बैठ गए हो क्योंकि जो आपको चाहिए था वो आपको नहीं मिल रहा है, तो अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ो। क्या बैठे हो थक करके, क्या रो रहे हो बैठे बैठे? उठो, जागो, सोए क्यों हो? क्यों अपने आप को कमजोर समझ रहे हो? क्यों ये समझ रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता? अरे आप सब कुछ कर सकते हो, ये कहा जा रहा है। और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसके दो अलग अलग एंगल्स हैं। एक ये, जब तक कि इस दुनिया में जितना आपको चाहिए आपको आपकी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए, जो भी बेसिक आपकी नेसेसिटीज है, जो आपकी बेसिक नीड्स है, जब तक वो पूरी नहीं हुई है तब तक वही आपका लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पाने के लिए जो भी कुछ करना है वो करो, बैठे मत रहो। एक स्टैंड पॉइंट इसका ये है देखने का। दूसरा किन लोगों के लिए कहा जा रहा है, जो एक्चुअल स्टैंड पॉइंट है, जिस स्टैंड पॉइंट से स्वामी जी ने बात कही है जो बहुत कम लोग समझेंगे, वो क्या है कि अगर आपको आपका जो भी लक्ष्य था वो मिल भी गया है, तो उसके बाद में ये नहीं कि बैठ जाओ, उसके बाद में ये नहीं कि सो जाओ कि जो मुझे चाहिए था वो मिल तो गया है, पड़े रहो, या प्लेजर्स में इंडल्ज हो जाओ, या पावर के पीछे भागने लग जाओ, या पैसे के पीछे भागने लग जाओ। ये बात नहीं कही जा रही है, क्योंकि ये कौन कह रहे हैं, कौन ये बात कह रहे हैं जिन्होंने सब कुछ अपना छोड़ दिया ज्ञान के लिए।